हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको कम कपड़े से फुल घेर का बहुत ही प्यारा एक अम्ब्रेला ड्रेस बनाने बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है वो मैंने 2 मीटर लिया है। तो सबसे पहले 2 मीटर कपड़े में से हमने ऊपर के टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लिया है। ये देखिए, इसमें से हम अपने लिए टॉप पार्ट निकालेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। ये 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब लेंथ ले लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है ये हमारी 16 इंच की होगी। तो यहाँ से हम 16 इंच पे निशान लगा देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे कट कर देंगे इसको। और देखिए, अब यहाँ से हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई के लिए हम निशान लगाएंगे। पहले तीरा ले लेते हैं 7 इंच पे, और फिर हम यहाँ से आर्म होल के लिए भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में मिला के छाती का चौथा हिस्सा, उसमें 2 इंच ज़्यादा, जितनी भी छाती है आपकी उसका चौथा हिस्सा लेके और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर ले लें, ऐसे ही कमर का। और इस तरीके से दोनों पॉइंटों को मिला के और ऐसे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। यहाँ से हल्की सी तिरछापन दे देंगे। अब गले की चौड़ाई ले लेते हैं 3 इंच पे और लेंथ देख लेते हैं। लेंथ हम इसमें गले की दोनों की 7 इंच ले रहे हैं, आगे और पीछे की, और यहाँ से भी 3 इंच लेके एक बॉक्स बना के यहाँ से एक गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। गोल शेप देने के बाद यहाँ से हल्का सा शेप दे देंगे और सेम कटिंग कर देंगे जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है, ऐसे ही इसकी कटिंग कर देंगे। और कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी यहाँ से अलग कर देंगे हम, और यहाँ से तीरे को अलग कर लेंगे। अब ये हमारे पास 2 पार्ट आ चुके हैं, बैक और फ्रंट के लिए। ये देखिए, और इसके फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले हम जो हमारा ये कपड़ा बचा है इसको हम इस तरीके से बराबर करके ऐसे, पहले देखिए 2 फोल्ड में, फिर एक कोना उठा के इसका और ऐसे इसको मिला देंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। और इसमें से हम कुछ, मतलब एक तो होता है जो बिल्कुल बराबर में कटता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा अलग करके इसको कटिंग करेंगे। देखिए हमने मिला लिया है इस तरीके से इसको। अब जो हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है उसको ही हम रख लेंगे। यहाँ से जितना हमने इतनी इसकी चौड़ाई ली है उतनी हमें इसकी लेनी है, यहाँ से रख के। अब देखिए यहाँ से हमने रख के और गोलाई एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ से तो हमने लिया है 27 इंच जो खुली वाली साइड है, और जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमने इसको ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये हल्का सा हमारा शेप में बनेगा। यहाँ से हमारा 40 इंच है और इस तरीके से बस हमने गोलाई वहाँ से और यहाँ तक हमने बस गोलाई कर दी और बाकी कुछ नहीं किया। अब यहाँ से जैसे गोलाई दी है उसी तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। अगर इस तरीके से आप बनाओगी तो आपकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, और जो साइड होते हैं चाक बोलते हैं वहाँ से तो ये ऊंचा रहेगा, और जो बीच का हिस्सा होता है सेंटर का वहाँ से नीचा रहेगा। तो इस तरीके से जो आपका कुर्ता है वो बहुत ही प्यारा बन के आएगा। तो देखिए सेम हमने कमर वाले हिस्से को भी कटिंग कर लेना है, जैसे यहाँ से ऐसे ही हमने इसका, देखिए इसको अलग कर लिया है और इसका ये वाला पार्ट इसमें से यहाँ से अलग कर दिया है, सेम जैसे हमने आपको दिखाया है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि हमें इनको 2 पार्ट में अलग अलग करना है। जो खुली वाली साइड है वहाँ से इसको अलग अलग कर लेंगे ताकि हमें 2 पार्ट मिल सकें। तो देखिए इनकी शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ से कमर वाली साइड हो गई, ये कमर वाली साइड हो गई, और ये कुछ इस तरीके से घेरा हमारा दिखाई देगा, साइड से कम और बीच में से ज़्यादा। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे प्रिंटेड कपड़े से भी। अब इस जो हमारे फैब्रिक है इसमें से हम अपनी
गले की पट्टियाँ निकालेंगे और जो स्लीव्स होंगी उन्हें हम छोटा छोटा ही निकालेंगे। तो उसके लिए हमने एक पट्टी अलग कट कर ली थी इसी कपड़े में से। तो थोड़े से कपड़े में से तो हमारा टॉप पार्ट निकल गया और बाकी के कपड़े से हमने घेरा निकाल लिया। तो हम करीबन 1.25 इंच की ये 4 पट्टियाँ निकालेंगे। अब इसको भी यहाँ से अलग कर देंगे। अब बचे हुए फैब्रिक को साइड में रख देंगे। अब देखिए ये बाजू के लिए जो हमने नीचे से कपड़ा निकाला था 9 इंच ले रहे हैं इसकी चौड़ाई, और लेंथ हम इसकी 5 इंच रखेंगे जिसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। खुली वाली साइड से 3 इंच लेके इस तरीके से शेप देके हल्की सी यहाँ से और इसकी कटिंग कर देंगे सेम तरीके से। तो देखिए यहाँ से बचे हुए फैब्रिक को साइड कर देंगे, यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से खोलेंगे। खोलने के बाद अब हमने ये तिरछी पट्टी सिल ली है, इस पट्टी को हम इस तरीके से रख के ऐसे और पूरे ही गले पे ऐसे सिलाई कर लेंगे पूरे राउंड में। तो देखिए हमने सिल लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें छोटे छोटे हम कट लगाएंगे, यहाँ से छोटे छोटे कट लगा देंगे हम, जिससे हम इसे सीधा करें तो कोई दिक्कत ना आए। अब इसे हम राइट साइड को पलट देंगे सीधी साइड को। तो देखिए हमने गले बिल्कुल अच्छे से बना लिया है, आप देख सकती हैं इसको हमने पलट के सिलाई लगा दी है। तीरा ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले जो इसका कमर वाला पार्ट है उसको और जो इसका नीचे का घेरा है हम उसको एक साथ अटैच कर देंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ के और इस तरीके से इसको हम यहाँ से बिल्कुल अटैच कर देंगे पूरा ही। तो देखिए हमने इसको पूरे में अटैच कर लिया है। अब जो इसका दूसरा वाला पार्ट है उसको भी हम सेम तरीके से ही करेंगे। यहाँ से हमारी वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसीलिए हमने थोड़ी सी वीडियो यहाँ से कट की थी, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। बाकी आगे से वीडियो पूरी क्लियर है, उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। आगे से हमारी वीडियो बिल्कुल अच्छी है, गलती से वो ऐसी हो गई थी। तो देखिए अब हमने इसका तीरा भी ज्वाइंट कर दिया है। अब इसकी स्लीव्स को भी मोड़ लिया है हमने। अब इसकी स्लीव्स को हमने लगा दिया है जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में लगाते हैं। अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं हम। और देखिए इसे आप लेस वगैरह से डेकोरेट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन मैं इनको सिंपल तरीके से ही मतलब रखूँगी इसको। बस इसके नीचे जो बॉटम है वहाँ पर मैं पीको करूँगी, बाकी मुझे और कुछ नहीं करना है। अब नॉर्मल कुर्ती की तरह इसकी फिटिंग कर देंगे, दूसरी साइड भी सेम फिटिंग कर देंगे। तो देखिए बनने के बाद में कुछ घेरा इस तरीके से दिखाई देगा इसका। आप चाहें तो नीचे लेस लगा सकती हैं, बस नीचे से मुझे इस पर पीको करनी है बराबर करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।